नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार रथ। उदय इंडिया डिजिटल में आप सबको फिर से स्वागत है। कल अभी ऐसे कुछ घटना हुआ है और मैंने अभी अभी बिहार की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके बारे में बड़ा दुखद के साथ मैंने मेरा व्यथा अभिव्यक्त किया था। आज मैं फिर से मर्माहत हूँ क्योंकि बिहार की बगल में झारखंड में एक ऐसे ही अमानवीय घटना जो कि दिल को दहलाने वाला है। पता नहीं इस देश को क्या हो गया है, किस रास्ते से जा रहे हैं ये देश। इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कोई चीज है तो उसके नाम प्यार कहलाता है, लेकिन आजकल जिस तरह का प्यार अपने देश में दिखने को मिल रहा है ना, उससे कोई प्यार का नाम से ही विश्वास उठने लगा है। इस देश में प्यार को मानो तो एक धंधा सा ही बना दिया गया है, एक कंस्पिरेसी साजिश के तहत भोली भाली मासूम लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर कभी वेश्यावृत्ति, कभी धर्मांतरण के अंतत अंधकार में धकेल दिया जा रहा है। अब ये लव जिहाद जैसे चीजों पर बात नहीं करना चाहता, किंतु नई दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड जैसे ही एक और मामला झारखंड में सामने आया है। यहाँ मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति से भागकर शादी करने वाली एक आदिवासी महिला की हत्या कर उसकी 50 से अधिक के टुकड़े कर दिए गए। महिला ने अगस्त में मुस्लिम पुरुष से शादी की, उसकी दूसरी पत्नी बनी। उसके पति के अलावा उसकी पति पहली पत्नी के सहित उसके ससुराल परिवार के कई सदस्यों की अपराध के लिए गिरफ्तार भी कर दिया गया है। झारखंड में साहिबगंज जिले की संथाली मोमिन टोला इलाका में स्थानीय लोगों ने, जो बोरियो पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, कथित तौर पर चारों ओर खबरे हुए कि शरीर के टुकड़े पाए गए। ख्यात विख्यात सब की पहचान राबिका पहाड़ीन के रूप में की गई, जिसने कथित तौर पर अगस्त में मोहम्मद दिलशाद अंसारी से शादी की थी और हाल ही में अपने ससुराल में रहने के लिए इलाके में आई। दूसरी खबर इंदौर से भी है। खुद का नाम और धर्म छुपाकर एक हिंदू युवती से दोस्ती करने वाली अल्पसंख्यक वर्ग के युवक को लोगों ने पकड़ा और पुलिस की सुपर कर दिया गया। वह शहर के शॉपिंग मॉल में युवती के साथ घूमने आया था। इस तरह से पिछले एक हफ्ते में ये चौथा मामला सामने आया है। इंदौर शहर में ऐसे मामलों तो लगातार त्रस्त है। ऐसे मामलों के लिए युवक का नाम मोइन है और जब उसे मॉल में पकड़ा गया तो उसने खुद का नाम मोनू वर्मा बताया। जब उस शख्स की शख्सियत जसवी शख्सियत के बारे में पता किया गया तो उसने बताया कि उसका नाम मोइन है, लेकिन युवती को खुद का नाम मोनू बताकर इस शख्सियत ने दोस्ती कर ली थी और उसे घुमाने ले जाता था। युवती के साथ 3 साल से उसकी दोस्ती थी। इसी तरह जुलाई के महीने में झारखंड के रहने वाले एक युवक पर उत्तर प्रदेश में जाकर लव जिहाद करने का आरोप भी लगा था।
अब आप ये बताइए कि इन चीजों का मैं क्या कहूं, क्या नाम दो उसके। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि कैसे जहां ये मामला पूरी तरह से पहचान एंड आइडेंटिटी का मामला होना चाहिए, अर्थात लड़की की धार्मिक पहचान समाप्त करने वाला वही मीडिया उससे मात्र किस सिरफिरे की करसूत या प्यार तक सीमित कर देता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आखिर मीडिया को इससे क्या मिलता है? क्यों सच सामने नहीं आता है? क्यों विषय को घुमा घुमा के पेश किया जाता है? ऐसे मामले प्यार के तो हो ही नहीं सकता है, खास करके इस देश में, भारत में, क्योंकि इसमें प्यार ही है नहीं। हम इसको प्यार कैसे कहें? प्यार कभी भी इतना स्वार्थी नहीं हो सकता है कि जिसके साथ जीवन बिताने का सोचा जाए उसी की हत्या कर दिया जाए या उसी को ही जला दिया जाए। एक व्यथित विषय है, ये बहुत ही भयावह मंजर है। इसे हम कुछ भी कह सकते हैं पर ये कभी भी प्यार नहीं हो सकता है दोस्तों। किंतु मीडिया का एक वर्ग, मैं पूरा मीडिया को इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, एक वर्ग इसे प्यार की ओर हमेशा ले जाता है। लेकिन क्यों? और एक प्रकार से हिंदुओं का सांस्कृतिक जिनोसाइड इस तरह किया जाता है मीडिया के, उसका संकुचन कर देते हैं। ये घटना है कभी भी प्यार का हिस्सा नहीं थी और ना ही है, ना ही रहेंगी। निकिता तोमर का भी यही मामला था और दिल्ली में एयर होस्टेस का कोर्स कर रही एक लड़की का भी। जैसे बिग सड़क पर चाकू से वार करके आदिल ने मार दिया था, आप सबको झारखंड में जो कुछ भी अंकिता के साथ हुआ वो ना पहला था और ना ही आखिर, ना ही श्रद्धा और रवि का। ये लिस्ट गोज टिल इंफिनिटी, इसका कोई अंत नहीं है, अंतहीन है ये लिस्ट। संस्कृति का मानव सभ्यता से गहरा संबंध है, ये आप सबको मालूम है। और हिंदू सभ्यता एवं संस्कृति विश्व की उन बची बची प्राचीन सभ्यताओं में से एक है जिसे बाहरी शक्तियां तमाम कोशिश के बाद भी पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया किसी ने। ये सनातन धर्म संस्कृति सनातन से आज तक चलती आ रहे है और चलेगा, कितने भी कंस्पिरेसी क्यों ना इस संस्कृति के खिलाफ कोई करे। हालांकि अभी भी प्रसाररत है कि और उनका खग्य युद्ध अभी भी जारी है, वो छोड़ते नहीं है। जब खोलताड़ होता है दब जाते हैं, फिर मौका देख के फिर उठते हैं, फिर अपना जो एजेंडा है फिर उस पर लग जाते हैं। पहले श्रद्धा और अब रूबी का इसी युद्ध का एक हिस्सा है। यही कल्चरल जिनोसाइडी तो है, हम इसका क्या नाम देंगे? अब इससे आगे मैं क्या बोलूं कि ऐसा संगीन विषय है। बार बार दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हर जगह पर हिंदू लड़कियों के साथ धोखाधड़ी होते जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अलग अलग रूप में आते हैं, उनके एजेंडा तय है। दर्शकों, आप लोग स्वयं जनता है, जनार्दन है, आप लोगों को सोचना चाहिए, इस विषय पर विचार करना चाहिए कि आखिर आने वाला दिन में हम अपने हिंदू बच्चियों को कैसे तैयार करें। हर लड़कियों को
हम लोगों को समाज की तरफ से सतर्क करना पड़ेगा कि इस तरह से एलिमेंट्स समाज में बहुत घूम रहे हैं, जो अपना नाम चेंज कर करके हमारा बच्चियों को फंसा के, उनके माया जाल में फंसा के, और उसके बाद में उनकी मार दिया जाता है, काट दिया जाता है। और झारखंड में जिसकी 50 टुकड़ा हुई, उसके लिए मैं ही नहीं हूँ, आप लोग भी दुखी होंगे, क्षुब्ध होंगे। आज कहने के लिए सच में मेरे अंदर शक्ति नहीं है कि आखिर 75 साल के बाद भी इस देश में इस तरह से जानवर प्रकृति के लोग जिंदा है। मेरा आप सब से आह्वान है, दोस्तों आइए हम सब मिलके इस जानवर प्रकृति की जो समाज में घूम रहे हैं लोग, उनको खत्म करेंगे। और ज्यादा मैं इससे बोल नहीं सकता हूं, ऐसे विषय और हमारे समाज के खिलाफ जो काम कर रहे हैं, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, हमारा संस्कृति को जो बदनाम कर रहे हैं, इस तरह से विषय और विचार हम लगातार आपके सामने लाएंगे। उदय इंडिया हमेशा इसी के लिए कार्यरत है। इसलिए अगर आप लोग मेरे विचार से या हमारा विचार से सहमत है, एक सनातन संस्कृति को मजबूत करना चाहते हैं, तो उदय इंडिया चैनल के साथ जरूर जुड़िए। भारत माता की जय।